हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, मैंने आज एक मराठी फिल्म देखा है। फिल्म का नाम है फैंड्री। फैंड्री का मतलब है पिग। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नागराज मंजुले ने और ये फिल्म रिलीज हुआ था 2013 में। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे व्यूअर राहुल को। राहुल की वजह से मैंने ये फिल्म देखा है। राहुल हैज़ बिन रिक्वेस्टिंग मी सिंस लॉन्ग टू वॉच दिस फिल्म एंड टॉक अबाउट इट इन माई वीडियो ऑन माई चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल, थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से मैंने ये फिल्म देखा और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा ये फिल्म। दोस्तों, अगर आप लोग रियल एंड रियलिस्टिक सिनेमा के फैन हो ना, तो आपको फैंड्री बहुत पसंद आएगा। इसमें बहुत सारे हिडन मीनिंग्स, बहुत सारे सिंबलिज्म और बहुत सारे मेटाफर्स आपको नजर आएंगे जो आपके दिल को छू जाएगा। और जिस अंदाज में नागराज मंजुले ने वो सिंबलिज्म, मेटाफर्स और हिडन मीनिंग्स को सीन्स के द्वारा और एक्टिंग के द्वारा प्रस्तुत किया है ना, वो काबिले तारीफ है यार। नो वंडर नागराज मंजुले गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन फॉर दिस फिल्म यार। वेरी वेल डिजर्विंग। और इस फिल्म के जो चाइल्ड एक्टर है, मेल चाइल्ड एक्टर जो लीड एक्टर है इस फिल्म का, जब भी उनके कैरेक्टर का नाम था, उनका असली नाम सोमनाथ है, एक्सीलेंट एक्टिंग। और उनको भी नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट चाइल्ड एक्टर के लिए। सुपर्ब सुपर्बली डायरेक्टेड फिल्म, सुपर्बली एडिटेड एंड सुपर्ब एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। एक ऐसा फिल्म है जिसको मैं अभी बोल रहा हूँ 4 आउट ऑफ 5 मैं दूंगा। दोस्तों, इस फिल्म का डिस्कशन करना चाहिए इस फिल्म के सिंबलिज्म और हिडन मीनिंग्स के बारे में। सबसे पहला तो यार, जब भी ऑपरेशन होता है सोसाइटी में, चाहे वो कास्ट बेस्ड ऑपरेशन हो या फिर फ्रीडम बेस्ड ऑपरेशन हो या कोई भी किसी भी तरह का ऑपरेशन हो, चाहे वो कम्युनिटी पर ऑपरेशन किया जा रहा हो या फैमिली पर हो या किसी बड़े ग्रुप पर हो, एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी खड़ा होता है जो हिम्मत रखता है उस ऑपरेशन को फाइट बैक करने के लिए। ही इज अ रिबेल विद अ कॉज। और हमारे इस फिल्म में, फैंड्री में, द रिबेल विद अ कॉज इज जब्या, यानी सोमनाथ। जे मतलब जब्या का असली नाम है सोमनाथ, द चाइल्ड एक्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब्या कम्स फ्रॉम अ वेरी लो कास्ट कम्युनिटी। उनके डैड बहुत ही लो कास्ट, जो लो कास्ट लोगों को जो अनटचेबल काम देते हैं, जैसे ये फिल्म में सुअर पकड़ने का जो काम है वो उनके डैड करते हैं। बट राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब्या डजन वॉन्ट टू डू द काइंड ऑफ वर्क दैट इज डैड डज। जब्या इज अ रेवोल्यूशनरी, इज अ रिबेल। एंड वॉट इज द फर्स्ट थिंग दैट अ रिबेल डज? ही ड्रीम्स बिग। वो ऐसा ड्रीम करता है जो उसके कम्युनिटी के लोग, जो सर झुका के चलते, उन लोग कभी ऐसा ड्रीम नहीं करेगा। फॉर स्टार्टर्स, वो स्कूल जाना पसंद करते हैं, वो पढ़ाई करना पसंद करते हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पसंद करते हैं। बट हमेशा ये देखा है कि उसका डैड हमेशा उसको डिस्करेज करता है। हिज डैड वॉन्ट्स हिम टू वर्क। सो यहाँ पे जो हिडन मीनिंग है वो ये है कि फैमिली वाले ही रेबेल या रेवोल्यूशनरी को उतना सपोर्ट नहीं करते। दे पुल देमसेल्व्स बैक, दे पुल देयर द रेवोल्यूशनरी बैक एंड दे वॉन्ट देम टू डू द सेम जॉब एंड बी इन द सेम ऑप्रेसिव सिचुएशन दैट देयर एंसेस्टर्स एंड देयर फादर्स एंड एवरीवन एल्स, देयर ग्रैंडफादर्स हैव बीन फेसिंग फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग वाइल। तो यहाँ पे जब्या रिबेल्स बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल। सेकेंडली, ही फॉल्स इन लव विद अ फेयर गर्ल हु बिलोंग्स टू एन अपर कास्ट। तो यहाँ पे वो ड्रीम करता है ऑफ बींग विद द गर्ल, वॉकिंग हैंड इन हैंड विद द गर्ल हु इज फार आउट ऑफ हिज रीच इन द रियल वर्ल्ड। तो अक्सर लोग हमेशा उनके औकात के बाहर सपना देखना पसंद नहीं करते, लेकिन जब्या एक रेवोल्यूशनरी है, एक विजनरी है और ही ऑलवेज wants to dream big and that is why he also falls in love with someone who is way beyond his reach in the real world. दोस्तों, इस फिल्म के क्लाइमैक्स के जो 15 से 20 मिनट है, वहाँ पे जिस तरह का हिडन मीनिंग्स आपको दिखाई देगा ना यार, जो मेटाफर्स आपको दिखाई देगा, लाजवाब है यार, लाजवाब है। लाइक फॉर इंस्टेंस, जब्या और उसका पूरा फैमिली पहुंच जाता है एक पिग को पकड़ने के लिए, दैट इज हाउ दे अर्न देयर लाइवलीहुड। लेकिन जब्या को पिग नहीं पकड़ना है क्योंकि स्कूल के बच्चे हैं वहाँ, प्लस वो लड़की है जिससे जब्या प्यार करता है, तो उसके नज़रों में जब्या को गिरना नहीं है। लेकिन जब्या के डैड आके जब्या को बोलता है यार, उसको 2-3 फटके लगा के बोलता है तेरे को यही करना है लाइफ में। तो मतलब ही इज पुल्ड बैक इन टू दैट ऑप्रेसिव स्टेट बाई हिज वेरी डैड। वो एक पहला सिंबलिज्म। उसके बाद जब उन लोग पिक को पकड़ने में लग जाते, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, जैसे कोई आईपीएल का मैच चल रहा है वहाँ पे। दे स्टार्ट चेयरिंग, दे स्टार्ट क्लैपिंग। तो ये हुआ, जो ऑडियंस है वो अपर कास्ट के लोग हैं और दे आर नॉट रियलाइजिंग दैट वॉट एवर द लोअर कास्ट कम्युनिटी इज डूइंग, दैट इज दे आर नॉट प्लेइंग अ गेम देयर। वो पिक इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि
उनको पैसा उससे मिलता है, दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड, और उस लाइवलीहुड का मजाक उड़ा रहा है ये अपर कास्ट लोग, उसको एक गेम बना के और उसका फोटो वोटो खींच के बोल रहे कि ये आईपीएल मैच चल रहा है। तीसरा एक सिंबलिज्म है, जब पिक को मार के जब पिक को लोग लेके जाता है, सामने एक वॉल रहता है, वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्री बाई फुले, इनका पिक्चर्स लगाया हुआ रहता है, ड्राइंग्स होता है। तो ये एक सिंबलिज्म है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और सावित्री बाई फुले, दे वर्कड हार्ड टू इरेडिकेट कास्ट सिस्टम आउट ऑफ आवर कंट्री, और उनके सामने एक ऐसा फैमिली जा रहा है हु हैज बीन ओप्रेस्ड बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। तो वो एक जो कॉन्ट्रडिक्शन दिखा वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और फाइनल तो एक ब्रेकआउट सीक्वेंस है, जब जब्या रिवॉल्ट्स व्हेन ही थ्रो स्टोन्स एट ऑल दोज अपर कास्ट मैन हु इज इंसल्टिंग हिम एंड हिज फैमिली एंड मेकिंग फन ऑफ हिम एंड हिज फैमिली, वो द अल्टीमेट ब्लो है। व्हेन ही ब्रेक्स आउट, व्हेन द रेवोल्यूशन स्टार्ट्स एंड द रेवोल्यूशनरी लीड्स द चार्ज विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स, तो वो सिंबलिज्म भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एक एक फिल्म के बीच में एक पॉइंट, ऐसे बहुत सारे और सिंबलिज्म्स आपको मिलेंगे। एक पर्टिकुलर जो हिडन मीनिंग जो मुझे और भी अच्छा लगा वो है, जब जब्या एक बड़े क्लोथिंग डिपार्टमेंटल स्टोर में वैन ह्यूसन का एक फॉरेन मॉडल देखता है, जो एकदम यू नो चिकना है, फेयर है, हैंडसम है, लंबा नाक है, तो वो घर जाकर एक क्लिप लगाते हैं उसके नाक पे, इन द होप दैट हिज नोज विल ऑल्सो ग्रो स्ट्रेट एंड शार्प एंड ही कैन ऑल्सो ब्रेकआउट फ्रॉम दैट ऑप्रेसिव फिजिकल स्टेट दैट ही प्रॉबेबली थिंक्स ही इज इन। तो ये सब वो एक रेवोल्यूशनरी का थॉट है, वेर ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज करंट ऑप्रेसिव स्टेट एंड वॉन्ट्स टू ब्रेक फ्री। उसको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू वेयर जीन्स, फ्रीडम टू लव द गर्ल दैट ही वॉन्ट्स, रेस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स दैट आर यू नो इम्पोज ऑन हिम बाय द सोसाइटी। तो ये जो मीनिंग्स मुझे ये फिल्म में दिखाना, सुपर्ब लगा यार, सुपर्ब लगा, वेरी वेल शॉट, वेरी वेल एक्टेड। जैसे मैंने कहा चाइल्ड एक्टर ब्रिलियंट है, चाइल्ड एक्टर की जो मम है छाया खदब सुपर्ब, और किशोर, आई थिंक किशोर इज द नेम ऑफ जब्यास फादर, किशोर इज इज रियल नेम, एक्सलेंट एक्टिंग यार, एक्सलेंट एक्टिंग, एक्टिंग आपके दिल को छू जाएगा। 4 out of 5 जैसे मैंने कहा दोस्तों, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है फैंड्री, जाकर देखो, ये अवेलेबल है Z5 पर, इट विल एब्सोल्युटली ब्लो यू, सुपर्ब मराठी फिल्म। फॉर द मोमेंट सुनूप सेज बाय बाय।